नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। आज आदिवासियों का सबसे बड़ा त्यौहार है सरहुल। इस त्यौहार के दौरान प्रकृति की पूजा की जाती है और जैसा कि आदिवासियों का मानना है कि इस त्यौहार को मनाए जाने के बाद ही नई फसल का उपयोग शुरू किया जा सकता है। और आज हम आपको कई सरना स्थल पर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि लोग कैसे पूजा कर रहे हैं। अभी मैं मौजूद हूँ सीरम टोली में, जहाँ पर आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद हैं और हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कैसे पूजा कर रहे हैं और यहाँ पर उपस्थित लोग भी कैसे पूजा कर रहे हैं। आज झारखंड में सरहुल पर्व मनाया जा रहा है। सरहुल को लेकर सुबह से ही झारखंड की राजधानी रांची में चहल पहल तेज है। सरहुल शोभा यात्रा से पहले झारखंड के मुख्यमंत्री लेकर आदिवासी हॉस्टल पहुंचे। इसके बाद सीएम हेमंत सोरेन सीरम टोली स्थित आयोजन स्थल पर पहुंचे। वहां पहुंचकर मुख्यमंत्री ने पारंपरिक रीति रिवाज से सरहुल का पूजा पाठ किया। आपको ये भी बता दें कि आज दोपहर 1 बजे से सरहुल शोभा यात्रा केंद्रीय सरना स्थल हाथमा जो सरहुल शोभा यात्रा का उद्गम स्थल से निकाली जाएगी, जो सरहुल चौक मोराबादी उपायुक्त आवास के सामने उत्तरी छोर के जितने भी शोभा यात्रा में आने वाले खोड़ा है उन्हें साथ लेकर शोभा यात्रा रेडियम रोड, कचहरी रोड, महात्मा गांधी रोड, मेन रोड होते हुए सीरम टोली सरना स्थल तक जाएगी। तो जैसा कि हमने आपको सीरम टोली में दिखाया कि लोग कैसे पूजा कर रहे हैं, और अभी मैं मौजूद हूँ लालपुर स्थित न्यूक्लियस मॉल के पीछे सरना भवन में, जहाँ पर लोग सखुआ पेड़ की पूजा कर रहे हैं। और हम आपको दिखाते हैं कि पूजा लोग पूजा कैसे कर रहे हैं और जानते भी हैं इस पूजा करने की विधि क्या है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि पुराना झंडा को उतार कर नया सरना झंडा लगाया भी जा रहा है। आप लोग 2 सालों के बाद सरहुल कैसे मना रहे हैं? आज तो हम लोग के लिए बहुत ही खुशी की बात है। फिर भी जो खुशी हम लोग में होनी चाहिए वो खुशी हम लोग को नहीं मिला, क्योंकि डीजे बाजा उजा सब हम लोग को इसमें रोक दिया गया है। इसके चलते हम लोग दुखी भी है। फिर भी 2 साल के बाद आज हम लोग सरहुल मना रहे हैं तो हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा है, खुशी भी लग रही है। आज हम लोग सरहुल मना रहे हैं तो सरहुल के लिए भी हम लोग का महारदी बहा पर्व है, इसके लिए भी पूरा झारखंड वासियों को शुभकामना देते हैं और रामनवमी का भी हार्दिक शुभकामना देते हैं। मेरा नाम हुआ गीता लकड़ा, नगड़ा टोली सरनाटा, और मैं यहाँ की कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ। हम लोग का सरहुल 2 साल के बाद हो रहा है, हम तो बहुत खुश हैं कि हम लोग का ये, और डीजे है लगा हुआ है, हम लोग का ये ढाक बाजा नहीं मिली ना, बहुत लेट हो गया। तो उसके बाद हम लोग झांकी भी बनाए हुए हैं तो रोड की साइड है तो झांकी भी निकलेगी हम लोग को, है नगड़ा टोली सरना भवन के नाम से झांकी भी बन रहा है, डीजे भी है तो ये रोड के उस पार है, यहाँ अंदर नहीं आ सके, बड़ा बड़ा गाड़ी अंदर जगह नहीं है ना, इसलिए नहीं आ पा रहा। तो हम लोग को तो बहुत खुशी लग रहा है कि 2 साल के बाद हम सरहुल नाच रहे हैं, ये रोड निकलेंगे, नाच देख करेंगे पूरा परिवार, बहुत खुशी लग रहा है। मेरा नाम सोनी लकड़ा, मैं नगरा टोली के महिला समिति अध्यक्ष हूँ। आप लोग आज सरहुल मना रहे हैं इतने धूमधाम से, ये पूजा करने की विधि क्या है? सबसे पहले तो मैं तमाम झारखंड वासियों को, देशवासियों को जोहार और सरहुल महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2 वर्ष के उपरांत आज पुनः ये महापर्व आई है, क्योंकि इसे पहले वैश्विक महामारी कोरोना काल के चलते है कि 2 वर्ष से मानव के हित में, उसके कल्याण में है कि बस सादगी से इस त्यौहार को मनाया गया था, लेकिन इस वर्ष सभी कुछ सामान्य हो चुका है और आप देखेंगे धरती में फिर पुनः हरियाली लौट आई है, पेड़ पौधों में नए नए फल और फूल आए हैं, मतलब एक नया जीवन का वैभव हुआ है और सभी लोग खुश हैं। और इसकी विशेषता ये है कि ये सृष्टि पर जो पूरा प्राणी जगत का जीवन निर्भर है, और जो पाहन पुजार होते हैं इसमें है कि जल रखाय की एक पूजा करते हैं, उनकी एक विधि होती है जिसमें है कि जल रखाय में 2 घड़े में पानी होती है, एक धरती का रूप माना जाता है, एक आकाश का रूप, जो
वर्षा होती है वो धरती, और धरती से फिर वो वापस आकाश में बादल बन के फिर पुनः बरसती है। तो इसी को एक आकार माना जाता है और उसकी पूजा की जाती है। और आज अभी आकलन करके देखा गया कि इस वर्ष है कि बारिश अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी, जीवन अच्छा होगा और सारे प्राणी है कि अपने जीवन को जी पाएंगे और आगे विचरण कर पाएंगे। तो ये पूरी तरह से सृष्टि पर निर्भर है और हमने सर्वशक्तिमान सिंह बोंगा सूर्य देव से ये कामना की है। साथ ही जगत जननी धरती माता जो है कि पूरे प्राणी जगत की पालन पोषण करती है, उनकी भी मैंने आराधना की है। साथ ही हम लोगों के रक्षक देवता पहाड़ पर्वत के देवता कहे जाते हैं, उनकी मैंने आराधना की है। साथ ही जंगल झाड़ के देवता जो सांस प्राण देते हैं, वायु देवता, अग्नि देवता, जल देवता, गांव के देवता, सीमान के देवता, जतरा देवता, मसना देवता, दारहा देवता, देशाली देवता, घर के देवी देवता, बूढ़ा बूढ़ी, पुरखा पूर्वज जिससे हम लोगों की उत्पत्ति हुई है, तमाम देवी देवताओं को मैंने आह्वान किया है और कामना की है कि हमारा जो मानव जीवन है और जितने भी प्राणी छोटे छोटे जीव जंतु पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, सभी खुशहाल रहे और जीवन इसी तरह से निरंतर चलता रहे। इसलिए हमने आज इस सृष्टि की आराधना की, उनका आभार प्रकट किया और पूरा समाज जो मिलकर उनको धन्यवाद कर रहा है, सभी देवताओं को याद कर रहा है। और इस पूजा के पश्चात ही अभी हम लोग है कि जो भी हम लोगों के घरों में पकवान बने हैं सभी देवी देवताओं को अर्पित करने के बाद ही ग्रहण किया जाएगा और इसके बाद एक खुशहाली का माहौल होगा, शोभा जुलूस यात्रा निकाली जाएगी। राजधानी के सड़कों पर सभी नाच गान करते वाद्य यंत्रों ढोल मांदर और लोक नृत्य गीत से सभी एक दूसरे को बधाई देंगे। इस तरह के खुशी का माहौल होता है जो वर्षों बाद आया है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।